अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस टाइप का ग्लास नोट सीखेंगे। उसके अलावा ये फेसबुक कवर फोटो है, इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं जो है इस पर भी वीडियो बना सकूं। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपने अपनी फोटो को यहाँ से शेयर करना है अपने पिक्सल लैब में। ओके, तो ये शेयर करने के बाद आपने सिंपली यहाँ टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे ऐड करने अपना नाम। ओके, तो इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा। इसमें मैं 3 फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, उनका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके जो है फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो इसका फ़ॉन्ट जो है मैंने चेंज कर लिया। अब आप ये देख सकते हो, ये आधा जो है यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपने इस वाले ऑप्शन में आ जाना है और इसको हल्का सा जो है आपने बढ़ा लेना है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। ओके, उसके बाद आपने अगेन टेक्स्ट में आना है। ओके, तो ये फ़ॉन्ट भी जो है मैंने चेंज कर लिया है। इसका साइज़ आपने कुछ इस तरह बड़ा करके इसको यहाँ पे जो है अच्छी तरह एडजस्ट कर लेना है। ओके, तो ये कर लिए। आपने अगेन जो है टेक्स्ट में आना है और यहाँ पे जो है मैं तीसरा फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। यहाँ पे आपने जो है एफ टाइप कर लेना है। ओके, ये एफ टाइप कर लिए। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने जो है पूरा नेम लिख लिया है। इसको आपने सिंपली यहाँ पे आने और यहाँ से ट्रांसपेरेंट करके इसको अल्ट्रा में सेव कर लेने। ओके, अब आपने पी एस टच को ओपन कर लेने। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपनी फ़ोटो यहाँ पे ऐड कर ली। पी एस टच में आपने सिंपली यहाँ प्लस वाले आइकॉन में जाना है और यहाँ से जो फोटो लेयर से आपने जो नाम लिखा था उसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेना है। ओके, तो ये मैंने ऐड कर लिया, इसको सिंपली डन कर देना और इसको आपने कुछ इस तरह जो है जूम कर लेना। ओके, उसके बाद आपने जो है यहाँ प्लस वाले आइकन में दोबारा आना है और यहाँ से आपने जो है इसकी 2 डुप्लीकेट बनानी है। ओके, तो ये डुप्लीकेट भी मैंने बना ली। अब आपने फर्स्ट वाले लेयर में आना है, इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ से आपने जाना है लाइटनिंग वाले ऑप्शन में। ओके, इसको उठा के आपने बाहर कर देना है और सिंपली डन कर देना है। उसके बाद ब्लेंडिंग में आके इसका मूड आपने कर लेना है स्क्रीन। ओके, और उसके बाद आपने सेकंड वाले लेयर में आना है और यहाँ से इसके पिक्सल करने सिलेक्ट। ओके, इसके पिक्सल सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है इस वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ से आपने फिल एंड स्ट्रोक में जाना है। ओके, यहाँ जाने के बाद आपने इसका कलर जो है करना है चेंज। ओके, तो ये मैंने रेड कर लिए। इसके पिक्सल आपने जो है डी सेलेक्ट करने हैं। ओके, उसके बाद आपने जाने इफेक्ट में और यहाँ से आपने लगाने हैं ड्रॉप शेडो। ओके, ड्रॉप शेडो का जो एंगल है वो आपने कर लेना है 5। इस तरह सेट कर लेने और ओके, इसका कलर ब्लैक और ब्लर इसका आपने कर लेने 5। ओके, इसका ब्लर 5 कर लिया, डिस्टेंस इसका 4, ब्लर 5 और एंगल इसका जो है आप किसी भी तरह जो है सेट कर सकते हो। ओके, इसको सिंपली डन कर दिया और ब्लेंडिंग में जाके इसका मूड आपने कर लेने मल्टीप्लाई। ओके, तो उसके बाद आपने आने थर्ड वाली लेयर में इफेक्ट में जाने और यहाँ से आपने जाने बेवल में। ओके, बेवल में जाने के बाद आपने इसका कलर जो है करना है ब्लैक और इसका ब्लर जो है आपने करना है 85 और इसका डिस्टेंस आपने करना है 65। ओके फ्रेंड्स, इसका ब्लर हो गया 85, कलर इसका ब्लैक
तो इसका जो डिस्टेंस है वो हो गया 65। ओके, इसको सिंपली आपने जो डन कर देना है। ओके, और इसका ब्लेंडिंग में जाके इसका मूड आपने करने ओवरले। ओके, ये ओवरले कर दिया। उसके बाद आपने अगेन फर्स्ट वाले लेयर में आना है, इफेक्ट्स में जाना है, और यहाँ से आपने जाना है ग्लो में। ग्लो का कलर वाइट, और इसका ब्लर जो है आपने कर लेना है 0.6। ओके, 0.6 कलर वाइट, इसको सिंपली डन कर देना है। ओके, तो अगेन जो है आपने इसके ऊपर एक बार फिर जो है ग्लो लगाने, मतलब दो मरतबा। ओके, इसको डन कर दिया। ओके, उसके बाद आपने आ जाना है इफेक्ट में जाना है, और इस बार आपने आने बेवल में। बेवल में आने के बाद इसका कलर जो है आपने वाइट कर लेना है, और इसका ब्लर जो है आपने कर लेना है 10 के। ओके, और इसका डिस्टेंस जो है आपने करना है 12। ओके फ्रेंड्स, ब्लर 10, कलर वाइट, और डिस्टेंस 12, और इसका एंगल जो है आपने कर लेना है 315। यानी आपने जो शेडो का एंगल किया था इसका भी सेम जो है 315 पे सेट करना है। ओके ओके, तो ये करने के बाद आपने इसको सिंपली डन कर देना है। ओके, तो ये आप देख सकते हो क्लास फोन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ से आपने बेवल वाली लेयर में आने, और इसकी ओपोसिटी आपने हल्की सी जो है कम कर लेनी है। ओके, आप चाहें तो कम कर लें, और अगर नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है, मैं जो है थोड़ी सी कम कर लूँगा। इससे ये कि आपका थोड़ा और डार्क हो जाएगा, और इसका जो इनर बेवल है वो भी सही से नज़र आएगा। ओके, इसकी 75 पे मैंने कर लिया ओपोसिटी, तो ये आप देख सकते हो क्लास फोन जो बिल्कुल रेडी है। इसको सिंपली आपने यहाँ से डन करना है और सेव कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।